हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल जी। वेलकम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों याद होगा जी, शुरू में 2024 के एक न्यूज आई थी कि भाई आप अगर स्टडी कर रहे हो कनाडा में, इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, तो अपने स्पाउस को, अपने पार्टनर को यहाँ पे नहीं बुला पाओगे। ठीक है जी भाई, जैसी ये न्यूज आई हटबट लाइक लोगों के दिमाग में भाई क्या होगा, अब क्या होगा, हमने जो फाइल लगा रखी हैं उसका क्या होगा, ये क्या होगा भाई, अब क्या करेंगे, ये करे होगा वो, तरह तरह की दिमाग में चीजें। और ऑब्वियसली भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स थे इसमें जिनको भाई इफेक्ट पड़ना था इस चीज का, तो डेफिनेटली भाई डिस्कशन तो देखो होनी बनती थी। ठीक है जी, लेकिन इमिग्रेशन वालों ने एक चीज थोड़ी सी अच्छी की कि भाई इमिडिएटली ये इफेक्ट में नहीं आई चीज, उन्होंने बोला था कि आने वाले टाइम में। अब कुछ लोगों ने भाई गलत समझ लिया उस चीज को, लेकिन हमने इस चैनल पे भाई बार बार बोला कि भाई अभी वो चीज इंप्लीमेंट नहीं हुई है, उसके लिए टाइम लगेगा। क्योंकि भाई कनाडा में क्या है, कोई भी चीज अगर होनी है ना तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। देखो भाई चीजों को आगे डेवलप करना होता है, ठीक है, पास करवाना होता है, फिर इंप्लीमेंट करना, इट टेक्स टाइम, राइट। लेकिन उन्होंने उस टाइम पे क्लियर कर दिया था कि ये चीज होने वाली है। ठीक है जी, कि सिर्फ मास्टर्स और डॉक्टर वाले जो हैं प्रोग्राम्स, ठीक है जी, वो अपने पार्टनर्स को यहां पे बुला सकेंगे, दूसरों के लिए पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है जी, ये भाई क्लियर कट उन्होंने बता दिया था। अब भाई वही करते 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 भाई जनवरी निकला, ठीक है जी, और उसके बाद भाई फरवरी निकल गया सारा। अब बहुत सारे लोग परेशान, मुझे भी भाई इतने मैसेजेस आए, क्योंकि हम कंटिन्यूसली भाई कवर भी कर रहे थे उस न्यूज को, बहुत सारे मैसेज आए कि भाई क्या हुआ, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, हमने ऑलरेडी फाइल लगा रखी है, क्या हमारा प्रोसेस होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। करते 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 भाई वो दिन आ गया जिसको जिसका सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार था, स्पेशली भाई हमें, क्योंकि हमने कहा था इस चैनल पे कि भाई अभी वो चीज इंप्लीमेंट नहीं हुई है, आने वाले टाइम में अनाउंसमेंट होगी। लोगों ने बहुत गालियां दी कि भाई नहीं नहीं जी, ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुकी है, गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो, ये हो रहा है, वो हो रहा है। करते करते भाई वो न्यूज इन्होंने दे दी, वो अनाउंसमेंट इन्होंने कर दी कि भाई 19 मार्च 2024 वो दिन था भाई, हिस्टोरिकल डे, जिस दिन इन्होंने बोल दिया कि भाई अगर तो देखो जी आप मास्टर्स में हो, डॉक्टरल में हो, ठीक है, कोई प्रोफेशनल डिग्री, फिर तो आप ठीक है, वरना ये जो भाई आप डिप्लोमा वगैरह लेके आ रहे हो ना, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो गया जी, ये हो गया, वो हो गया, भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ कि भाई प्रोफेशनल डिग्री है तो ठीक है, ठीक है, एंड मास्टर्स, स्पेशली मास्टर्स हो गया, डॉक्टरल हो गए, ठीक है, एंड फिर तो ठीक है, अदरवाइज भाई भूल जाओ, फिर नहीं आप नहीं बुला सकते हो, ठीक है, फिर नहीं आप बुला सकते हो। मैं गाइस आपको क्लियर थोड़ा सा बता देता हूं, और फोन मेरे पास भाई दूसरा आ चुका है, ठीक है जी, मैं आपको भाई एग्जैक्ट बता देता हूँ कौन कौन से प्रोग्राम्स भाई अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आप अपने स्पाउस को यहाँ पे बुला सकते हो। तो 19 मार्च की वो डेट जिसका सबने एक सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार था, और तो हमने भी आपको बताया था कि भाई ध्यान से थोड़ा सा, अगर कोई कुछ कहता है तो बातों में मत फंस जाना कि हाँ जी भाई आप चले जाओ जी, आपके स्पाउस को बुला लेंगे, या फिर कोई ऐसी भाई फेक मैरिजेस या ये वो कर करके, है ना, कि ठीक है जी आपकी लड़की को या लड़के को भेज देते हैं, ये बाद में पार्टनर को बुला लें, भाई ये पॉसिबल ही नहीं है। कुछ कुछ प्रोग्राम्स के लिए पॉसिबल है, वो मैं आपको बता भी देता हूं जी। इन्होंने भाई क्लियरली बोला हुआ है, अ प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम एट अ यूनिवर्सिटी, ठीक है, सच एज अ मास्टर्स और डॉक्टरल प्रोग्राम्स, ठीक है जी, ठीक है, और वन ऑफ द फॉलोइंग एट अ पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूशन, ठीक है, मास्टर्स और डॉक्टर प्रोग्राम तो है, और एक ऑप्शन और भी है भाई, वन ऑफ द फॉलोइंग एट अ पॉलीटेक्निक, पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूशन में भी अगर वो स्टडी करते हैं, तो जो मैं प्रोग्राम्स की बात कर रहा हूं, अगर उसमें स्टडी करते हैं तो ही वो अपने पार्टनर को यहां पर बुला सकते हैं। डेंटल सर्जरी डॉक्टर, जूरिस डॉक्टर, बैचलर ऑफ लॉ, मेडिकल डॉक्टर MD, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, ठीक है, वेटरनरी मेडिसिन डॉक्टर, नर्सिंग बैचलर ऑफ साइंस, एजुकेशन बैचलर्स डिग्री, इंजीनियरिंग बैचलर्स डिग्री, ठीक है। तो ये भाई सारे मोस्टली ये डिग्री वाले ही हैं, और तभी मैं कह रहा हूँ ये जो हम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा लेके आ जाते हैं ना भाई, नहीं भूल जाओ, बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट भाई होंगे जिनको इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का,
ठीक है जी। तो 19 मार्च से भाई ये चीज इंप्लीमेंट हो गई है एंड आई होप कि भाई सब लोगों को इसके बारे में पता होगा। मैंने रिमाइंड इसलिए करवाया आप लोगों को ताकि भाई आप किसी की बातों में ना फंस जाओ। बहुत सारी चीजें चल रही है मार्केट में, कोई कहता है हम ये करवा देंगे, कोई कहता है वो करवा देंगे, तरह तरह की बातें। फंस मत जाना भाई, ना इधर के रहोगे ना उधर के, पैसा और टाइम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। तो आई होप भाई अब आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि भाई मास्टर डॉक्टर या फिर जो मैंने प्रोग्राम्स बताए हैं भाई पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन में, उनमें से अगर आप करते हो जी स्टडी, फिर तो आप अपने पार्टनर्स को बुला सकते हो। अदरवाइज भाई भूल जाओ अदरवाइज, क्योंकि 19 मार्च से इन्होंने बोल दिया है कि भाई आप अपने स्पाउस को यहाँ पे नहीं बुला सकते हो ओपन वर्क परमिट पे अगर आप स्टूडेंट हो, ठीक है जी। लेकिन हाँ, अगर आप मास्टर डिग्री और या फिर डॉक्टरल प्रोग्राम्स में हो फिर कोई चक्कर नहीं है, वो आपके लिए सेफ है। तो भाई दो चीजें हैं इसमें, या तो देखो जी आप भूल जाओ कि नहीं भाई बुलाना ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, या फिर आप प्रोग्राम उसी हिसाब से लेके आओ, किसी यूनिवर्सिटी में मास्टर्स वगैरह करो, ठीक है, डॉक्टर प्रोग्राम में आओ, फिर आप अपने स्पाउस को यहाँ पे आराम से बुला सकते हो, कोई चक्कर वाली बात नहीं, ठीक है। आई होप भाई ये इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ टॉपिक ऑन डिस्कशन। टिल देन सी स्टे, अपना ध्यान रखना, बाय बाय गाइस, बाय बाय बाय, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाय बाय, एंजॉय, बाय बाय।